بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين My dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today's topic is development of fiqh, and it is actually early period, yani development of fiqh, yani its early period. वही जो इसका early period है उसी का development हमें वो बोलना है कि development of fiqh, ये fiqh develop कैसे हुई. तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि दोबारा ये बात कि ये फिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अहमियत का ये टॉपिक है इस्लाम स्टडीज में. ड्यूरिंग द 14 सेंचुरीज ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री मेनी स्कूल्स ऑफ फिक ईच हैविंग देयर ओन व्यूज एंड मेथड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन of sacred texts came into existence. Yani jo 14th century jo thi Islamic history mein, to us history us century mein bahut sare schools of thought jo ubre, aur actually ye baat yahan par hame bahut zaruri samajhni hogi ki jiska is waqt ki duniya mein jis is cheez ko achhi tarah se nahi samjha jata hai, तो वो एक सबसे बड़ा रीजन बन जाता है वो आपसी तसादुम का, आपसी टकराव का, और जो मुसलमानों के दरमियान जो इनमें होता है, इनमें वो प्रॉब्लम्स हो जाती है. वो इसलिए इस चूंकि एक टॉपिक ऐसा है जिस पे हमें हमको बांटा गया है, हमसे ऐसे कहा जाता है कि ये सेक्स हो गए हैं मुसलमान उम्मत में, हालांकि वो बात सही नहीं है. तो मैं कह रहा था आपसे कि 14 सेंचुरी में बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट आए और उन्होंने अपनी अपनी व्यू में और अपने अपने मेथड्स उनके पास थे, उन्होंने इंटरप्रेट किया जो हमारे पास टेक्स्ट्स है, यानी कुरानिक टेक्स्ट है, और जो हमारे पास है अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो जो वो उस वक्त जो इंटरप्रटेशन हुई ऑफ दोज लेस दैन 10 स्कूल्स हैव सर्वाइव्ड टू द प्रेजेंट डे. आज तक उस इंटरप्रिटेशन में से जितने सारे उस वक्त वो अलग अलग स्कूल जो बन गए हैं उस टाइम, उन स्कूलों में से आज तक जो हमारे पास मौजूद है तकरीबन 10 स्कूल्स आर दिस टाइम जो है दे आर देयर एग्जिस्टेंस इज प्रेजेंट दिस टाइम. तो हालांकि एक बात और जहन में मुझे यहाँ आ रही है कि अगर हम इस्लामिक हिस्ट्री देखेंगे तो पहले से ही ऐसे हुआ है कि मुसलमानों पे जब भी कोई किसी किस्म का वो जो अगर अंदरूनी किसी किस्म का इनमें वो वार उठाया गया, तो उस वक्त बहुत से ऐसे हमारे स्कॉलर्स निकले जिन्होंने सारे वो अपने वो उनके जो पर्सनल इंटरेस्ट्स होते थे उनको उन सब चीज़ों को छोड़कर उन्होंने एक अलग रास्ता अख्तियार किया और वो सिर्फ रहे वो उसको हम कहते हैं कि इंटीमेटली वो रहे कुरान और हदीस के साथ, और फिर उन्होंने उस हिसाब से आगे चले और उस वक्त के लोगों के जो सवाल थे, जो लोगों के मसले मसाइल थे, उनका जवाब देते रहे और उस हिसाब से फिर अपने अपने इलाकों में, जो इसे पहले भी मैं आपसे कह चुका हूँ, ये स्कूल्स जो है उनके जो अपने व्यूज थे, अपने मेथड्स थे, उस हिसाब से ये डेवलप होते रहे. तो अगर हम देखेंगे इस्लाम में, इन इस्लाम देयर ग्रू ओनली स्कूल्स ऑफ लीगल साइंस एंड नॉट सेक्ट्स, इन्हें सेक्ट्स नहीं हुए. अलबत्ता किसी मसले का हल देने के लिए जो भी कोई हमारे जो स्कॉलर्स उस टाइम थे उन्होंने अपने उस मेथड से या अपने उस तरीके से सवालों का जवाब दे दिया और दीन इस्लाम की इंटरप्रिटेशन लोगों के सामने की. तो ये इसमें अगर हम देखेंगे, देखिए एक इलाका जो होता है कोई स्पेसिफिक इलाका, वहाँ के लोगों को देखकर, वहाँ के हालात देखकर, वहाँ के जितने सारे और बहुत सारे मामले होते हैं एक सोसाइटी में, एक इलाके में, तो या हम कह सकते हैं इन ए ब्रॉडर टर्म में मैं ये कह सकता हूँ कि इन ए सिविलाइजेशन वेयर यू आर सपोज टू सी ईच एंड एवरी थिंग, एवरी कंडीशन, एवरी थिंग यू आर सपोज टू सी, आप वो देखने के बाद ही आप
फैसला कर सकते हैं कि आपको क्या कहते हैं, यानी ये क्या है, किस हिसाब से आपको वो अपना मेथड और अपना वो अपनी व्यू देनी होगी। तो इस तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि इस्लाम में जो ये स्कूल्स जो ग्रो हो गए, तो देर इस्लाम जो इन इस्लाम देर ग्रो ओनली स्कूल्स ऑफ लीगल साइंस एंड नॉट सेक्ट्स। द व्यूज ऑफ दोज स्कूल्स ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वर सेम बट दे डिफर from each other in certain manners of law, यानी हम कह सकते हैं वो subsidiary and secondary, यानी जो कुरान को interpret करने का जो तरीका है, जो इसको method है, कुरान को किस तरीके से हम वो इसका तफसीर कैसे करेंगे, अहादीस को किस हिसाब से हमें लाना है कुरान को समझाने के लिए, तो यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मनहज है और जो सहाबों उनसे जो मनहज ले लिया सहाबों ने, उस तरीके पर कुरान को इंटरप्रेट करने के लिए जो है वो उसमें थोड़ा सा जो है स्कॉलर जो है एक स्कॉलर ने अपने एक उसका उसकी अपनी व्यू है कि इस तरीके से इंटरप्रेट करना है और दूसरे ने कहा कि इस तरीके से इंटरप्रेट करना है। तो लेकिन जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है उन पर कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो फंडामेंटल्स तो वहां पर अपने सारे हैं, लेकिन पहले एक इंसान को इन हालातों वो किसी सिविलाइजेशन के किसी सोसाइटी के हालात को देखकर सारे ये देखकर उसके बाद वो अपनी वो एक व्यू बताता है और एक अपनी एक्सप्लेनेशन देता है। ये दो हर एक सोर्स में चाहे कुरान हो या चाहे हदीस हो, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसलिए जो है मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो इनमें अगर डिफरेंस भी इनमें थी तो दैट वॉज सर्टन मैनर्स ऑफ यानी ला के एतबार से वो उनमें डिफरेंस थी। तो मैं आगे और भी बता दूंगा इंशाल्लाह, ये बात समझने की बहुत ही जरूरत है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ यहाँ पर और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस एग्जाम्पल से आप में ये बात वो समा जाएगी और आपको ये समझ वो लग जाएगी कि क्या मसला है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए अब जो ये है इसमें हमारे पास है फॉर इंस्टेंस दे हैव डिफरेंट व्यूज, जितने सारे ये स्कूल जो थे इनके डिफरेंट व्यूज थे ऑन द अथॉरिटी और लीगलिटी ऑफ राय एंड कियास। यानी मैं आपको बता दूंगा, देखिए राय का जो लफ्ज़ है ये अरबी में भी है और हम कश्मीरी में भी इस राय लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं, और कियास भी ये भी एक अरबिक टर्म है और हम कश्मीरी में भी इस टर्म को कियास उर्दू में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। यानी किसी वक्त किसी चीज़ कोई मसला कोई आपके सामने कोई क्वेरी आ जाती है, उसको जवाब देने के लिए एक इंसान को एक तो अपनी उसको सलाहत होनी चाहिए और उसके बाद उसे दीनी इल्म होना चाहिए, उसको उसने कुरान उसको पता होना चाहिए, उसने हदीसों का मुताला किया मतलब उसने किया होना चाहिए, तभी पॉसिबल है कि वो एक किसी ऐसे मसले का हल निकाल सकता है या दे सकता है कुरान और हदीस की रोशनी में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऐसे मसले मसाइल ऐसे चीज़ सामने आ जाते हैं जिन पर एक इंसान को या तो मैं ये कह सकता हूँ कि या अगर उसे इनके बहरहाल तो हर एक इंसान बशर ही है, या तो किसी इंसान को नजर नहीं होगी उन हदीसों का उसके सामने, वो नहीं होंगे उसके सामने, या उन अहादीस के जो उसकी जो वजाहत है उस तक नजर नहीं हुई होगी एक इंसान की, क्योंकि बशर है इंसान, सारा एक इंसान तो परफेक्ट नहीं हो सकता है। तो फिर एक स्कॉलर जो होता है, स्कॉलर भी तो इंसान ही होता है, एक आलिम जो एक काजी जो वो एक इंसान ही होता है, तो अगर उसकी नजर उसका वो हालांकि पढ़ने के बावजूद उसकी नजर उस तक नहीं पहुंची होगी, लेकिन उसके सामने एक मसला आ जाता है, एक क्वेश्चन आ जाता है, तो उस वक्त एक वो क्योंकि उसको हमने वो अथॉरिटी दे दी होती है, दीन इस्लाम में अथॉरिटी होती है एक काजी को वो बात करने की, एक आलिम को बात करने की, तो उस वक्त वो अपनी राय या जो वो कियास कर सकता है कि भाई देखिए मैं ये जवाब जो आपको बता देता हूँ इसकी दलील मेरे पास ये है। तो इसमें ये एक नेचुरल एंड ह्यूमन एरर है कि अगर 4 स्कॉलर 5 स्कॉलर 10 स्कॉलर होंगे, 10 इलाकों में होंगे वो, तो कोई जरूरी नहीं है कि उनकी जो व्यू है वो 100% एक जैसे हो सकती है, उसमें उनका कियास या उनका जो उनकी जो राय होगी या उनका जो पढ़ने का जो तरीका जो उनके पास होगा तो उसमें फर्क हो सकती है। तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पर बता दूंगा। तो हमारे जो है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अला जो उसने जो सपोर्टर थे राय और कियास के मामले में, उन्होंने कहा उनका जो एक फरमान है वो कह रहे हैं, वी कैन नॉट कंपेल अदर्स टू एक्सेप्ट आवर राय एंड कियास, इफ दे डू नॉट लाइक आवर कियास और राय दे कैन नॉट एक्सेप्ट द ओपिनियंस ऑफ अदर्स एंड रिगार्डिंग ट्रेडिशंस। हदीस के बारे में, पहले कियास और
राय के बारे में अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि जो लोग जो होंगे किसी को हम कंपल नहीं कर सकते कि आप ले लीजिए ये हमारी राय। तो इसके बाद जो है अहादीस के बारे में वो फरमाते हैं, ही सेड वी प्रेफर इवन ए ज़ईफ यानी वीक हदीस टू कियास और राय, जो हमारी अपनी राय होगी हम जो एक आलिम का कियास होगा उस कियास पर हम क्या करेंगे, हम पसंद करते हैं, हम प्रेफर करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं एक ज़ईफ हदीस को, यानी वो हदीस जिस हदीस के बारे में आपको सही इंफॉर्मेशन ना होगी, उसमें बहुत सारे ऐसे इल्लत होंगे, बहुत सारे ऐसे रुकावटें होंगे उसमें। तो लेकिन अगर कभी हमारे राय के सामने और हमारे कियास के सामने एक ज़ईफ हदीस भी होगा तो हम ही उसी को प्रेफर करेंगे। तो यानी इसी तरीके से बाकी जितने सारे इमामान दीन हैं उनका भी कौल है ऐसे। तो मशहूर जो हमारे पास जो कौल जो जो वो उनके कौल जो है हमारे पास जो है यही, यानी ये अगर आपको अगर हदीस मिले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आप हमारे जो जो बात है वो आप छोड़ दीजिए, इज़ा असहुल हदीस फहुव मज़हबी, जब आपको सही हदीस मिले तो वही मेरा मजहब है, वही मेरा तरीक़ाकार है, वही मेरा मानना है। तो और एक का फरमान है इसी तरह, और एक वो फकी जो है उनने फरमाया है कि जब आपको हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले तो मेरे कौल को आप दीवार पे मारें, और भी बहुत सारे ऐसे हैं। तो बहरहाल मेरे कहने का यहाँ पर मकसद ये है कि जो है क्योंकि डेवलपमेंट हमारा असली जो है डेवलपमेंट ऑफ फिकर जो हमारा असली सवाल है, मगर यहाँ पर मैं ये दोबारा ये बात कहना बहुत ही मुनासिब समझता हूँ ताकि आपको सवाल लिखने में और बोलने में और याद रखने में कोई दिक्कत महसूस ना हो जाए। तो अब जो ये इस्लामिक जो ये फिकर जो है इसका इसके डेवलपमेंट के बारे में मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारी किताबें हमारे पास इस टाइम अवेलेबल हैं जिनमें ये इसके जो ये डेवलपमेंटल फेजेस जो बता दिए गए हैं। तो वो डेवलपमेंटल फेज भी जो है स्कॉलर्स ने उसमें भी थोड़ी सी मतलब मैं कह सकता हूँ थोड़ी सी डिफरेंस है कि एक स्कॉलर ने फॉर एग्जांपल 5 फेजेस बता दिए है, किसी ने 3 फेजेस बता दिए, किसी ने 2 फेजेस बता दिए कि कैसे डेवलप हुई ये फिकर कहाँ से आ गई। तो मैं यहाँ पर चाहूँ कि मैं आपके सामने डेवलपमेंट ऑफ फिकर के बारे में वो जो है 4 पीरियड्स का जिक्र करूँ, 4 फेजेस और आई कैन से 4 पीरियड्स ऑफ दिस डेवलपमेंट ऑफ फिक। तो जो फर्स्ट पीरियड है इसमें जिसे हम लीजिस्लेटिव पीरियड भी कहते हैं, यानी हदीस जो है सॉरी जो फिक है जो इसका जो इसकी डेवलपमेंट ऑफ फिक जो है यानी इसका जो अर्ली पीरियड जो था उसकी उसकी जो डेवलपमेंट हुई है उसको हम 4 हेडिंग्स में समझने की कोशिश करेंगे। और नंबर फर्स्ट इज दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पीरियड, उसको हम कह सकते उसको हम कहते हैं लीजिस्लेटिव पीरियड भी। तो ये फर्स्ट पीरियड जो है द फर्स्ट पीरियड इज द लेजिस्लेटिव पीरियड विच कमेंसड विद हिजरा ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जब जब से हिजरत स्टार्ट हुई तो वही जब वो मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आए तो वहां से ये पीरियड स्टार्ट हो जाता। तो ये याद रखने की बात यह है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मदीना पहुंचे तो उन्होंने वहां पर जो इस्लामिक स्टेट बनाई, इससे पहले वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो उस वक्त उन्होंने अब इंसानों के दिलों को पाक किया, और वो जो इंसानों जो मदीना में जो लोग थे मदीना के लोग थे और महाजर साथ आए, तो उसके बाद मदीना में जीवस थे, क्रिश्चियन थे और भी बहुत सारे लोग वहां पर थे, कुछ बहुत सारे ट्राइब्स थे। तो सबसे पहले बात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे वो अहादीस ऐसे बातें बोली उस वक्त वहां पर सहाबों के सामने, तो उनमें वो ईमान का वो शोक जोक पैदा किया, तो और कुरान करीम को इंटरप्रेट किया उनके सामने। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी बात कैसे कही होगी, किस तरीके से वो अहादीस किस तरीके से उन्होंने अपने वो जो वो कोई बात उनको समझाई होगी, कुरान रिवील हो रहा था, कुरान करीम की कोई आयत आई फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबों के सामने वो बात रखी। तो ये सारा जो है प्राइमरी फेज था, फर्स्ट फेज था कि कुरान करीम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के सामने पेश करते थे, और फिर उसके साथ साथ वो अहवाल वो हालात वो वाकात जो हो रहे थे उनका, तो सीधी सी बात है उनका इम्पैक्ट उस पर उस टाइम हुआ होगा। तो अब यहाँ पर सहाबों ने उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं लिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान,
उन्होंने बल्किहारा के किताबों में लिखा गया है, हिस्ट्री तवारीख में भी है, ये अहादीस में भी ये है कि सहाबा कितने हरीस थे, उन्होंने इतना तक भी याद रखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी दफा अपनी आंखों को उठाते थे और कितनी दफा अपने नजरें नीचे झुकाते थे, इतना तक भी हमारे पास मौजूद है। तो अब ये कैसे, किस तरीके से हम नहीं कह सकते हैं कि सहाबों ने अब ये कुरान के जो आए करीमा है उनको जब उन्होंने सुना तो फिर उसके बाद उसको लिखा गया, उसके बाद जो उसकी इंटरप्रिटेशन उसकी बात जो हुई वो तक उन्होंने बता दी। इसी तरह अगर उस वक्त के दौर में कोई भी मसला, कोई भी सवाल, किसी भी सहाबा को कोई प्रॉब्लम, तो वो जब बात बोलते थे तो फिर उसको कैसे जवाब देते थे, क्या हाल देते थे, क्यों हाल देते थे, तो सहाबा उस टाइम सब कुछ वो देखते थे। तो इसलिए जो इस फेज को, इस वक्त सारी चीजें वो हमारे उस सामने वो था दैट इन दैट पीरियड। तो यानी और फर्दन अलग अलग हर एक सहाबा के पास अपनी अपनी वो अक्स था उनके पास, उन्होंने किस तरीके से सीखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई चीज, हर एक सहाबा के पास था वो सारा चीज, वो सब चीजें थे उनके पास। यानी मैंने यहाँ पर टर्म इस्तेमाल की, यानी अक्स उन्होंने किया, दे हैव इनफर्ड हाउ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड एक्सप्लेन्ड समथिंग टू देम, सबके पास वो चीजें वो उस टाइम मौजूद था। तो ये एक उस वक्त एक पहला फेज जो था इसको, जिसको हम लेजिस्लेटिव फेज पीरियड भी कहते हैं, तो ये उस वक्त उनके पास था। तो ये दिस वाज द फर्स्ट फेज, पहला एक टाइम था, ये पहला एक पीरियड था कि जब कुरान करीम का वो, जब ये इस फिका को हम कोई डिसीजन कैसे लेंगे, यानी हम मैं कह सकता हूँ ये कि जो है जो इसके प्रिंसिपल्स अब है, यानी इस्लामिक लॉ के जो प्रिंसिपल्स है, अगर कोई लॉ हम बोलते हैं तो इसका प्रिंसिपल कैसे बन जाता है, कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की कोई आयत लाते थे फिर कहते थे कि रब्बुल आलमीन ने कहा ये हराम है, और हराम उसके साथ जो उन्होंने और भी बातें जो वो कहते थे कि इससे ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा इसलिए हम ये नहीं करेंगे। तो ये उस वक्त हमारे पास था, एक सब सहाबा के सामने ये बातें थी। तो क्योंकि अरब जो लोग थे वो अरबी जानते थे, वो सब उनको जिस तरीके से हम आजकल इस्तेमाल करते हैं सिनोनिमस वर्ड्स करते हैं, एंटोनिमस सिनोनिमस करते हैं, कि एक वर्ड सेम होता है लेकिन उसका जो उसकी जो यूजेज है, उसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, उसकी क्या कौन सा वर्ड फिट और परफेक्ट हो जाता है, इस तरीके से उस वक्त उनके पास ये सब कुछ मौजूद था। लेकिन उनके लिए कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि दे वर ऑल अरब्स। तो इसके बाद एक सेकंड फेज आ जाता है जिसको हम कहते हैं सेकंड पीरियड, और इसको हम कह सकते हैं फाउंडेशन ऑफ डिफरेंट स्कूल्स। इस फेज में एक बहुत किस्म के वो स्कूल बन गए। तो इस सेकंड फेज में, द सेकंड फेज एक्सटेंड्स फ्रॉम द डेट ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम्स डेथ टू द फाउंडेशन ऑफ डिफरेंट स्कूल्स। यानी अब हमारे नबी ने जब तशरीफ ले लिया तो अब ये दूसरा फेज वहां से स्टार्ट हो जाता है। पहले फेज में तो कोई इसको ड्रॉ करने की या कोई इसमें वो जरूरत नहीं थी क्योंकि सहाबा मौजूद थे, नबी करीम सामने थे, तो हर एक चीज का हल बआसानी से होता था, और हर कोई सहाबा जो भी था उस टाइम तो उसको उसके सवालों का जवाब हर एक ने अपने अपने तरीके से अखज किया था कि नबी करीम सल्लम कोई मसला कैसे हल करते हैं, कोई बात कैसे बता देते हैं, क्या इनका तरीका है कहने का, क्या इनका तरीका है पढ़ाने का, क्या इनका तरीका है सिखाने का, वो सब कुछ मौजूद था सामने। नाउ इन दिस सेकंड फेज, जिसको हम कहते हैं कि ये फेज स्टार्ट होता है आफ्टर द डिमाइस ऑफ आवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद ये स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए अब जो है जो हमारे कंपेनियंस अब है, अब जो भी कोई जितने सारे लोग वहां पर थे, इवन सहाबा में से भी कुछ सहाबा और जो कुछ ताबी हजरात जो थे, अगर अब उनको कभी किसी मसले की जरूरत होती थी, किसी चीज की हल उनको ढूंढनी होती थी, तो वो जाते थे सहाबों के पास। जिले कदर सहाबा बैठे थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत सारे सहाबा उस टाइम मौजूद थे। तो यानी वो वहां पर मौजूद थे, उनके पास जाते थे लोग और उनसे वो कहते थे कि मसले का हल। तो अब जो ये पीरियड है, ये दिस पीरियड इज नोटवर्दी बाई इन चीजों से, इसलिए जो नोटवर्दी है, तो द अर्लीएस्ट कलेक्शंस ऑफ द ट्रेडिशंस आर सेइंग्स ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड
एंड सिट्रिक एडिशंस टू इट। अब इस दौर में क्या हो गया कि नबी के रसूल के जितने सारे जो सेइंग्स थे उनको वो कलेक्ट किया गया, जिसमें हमारे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की जो पहली किताब आती है, जो मैं इससे पहले भी आपसे कह चुका हूँ, तो अब उसको देखकर, उनको देखकर बड़े स्ट्रिक्टली उनको फॉलो किया जाता था। तो द बिल्डिंग अप ऑफ द सिस्टम ऑफ मुस्लिम ज्यूरिसप्रूडेंस अंडर द गाइडेंस ऑफ द फोर ऑर्थोडॉक्स खलीफाज जो उस टाइम जो थे, एंड और जो तीसरा पॉइंट इम्पॉर्टेंट, यानी उस वक्त क्या हुआ कि एक सिस्टम बन गया। अब इन जो हमारे खलीफा हजरत थे, चार खलीफा जो पहले जिनको खलीफा राशिदीन कहते हैं, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने जो बहुत नज़दीक रह चुके थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और फिर इन्होंने अपने तरीके से वो गाइडेंस दे दी। अब इनमें कोई उतनी ज्यादा डिफरेंस या कोई उतना ज्यादा हमें नहीं मिलता है, क्योंकि ये इंटीमेटली बैठे थे। अब जो यहां से जितने सारे और स्कॉलर्स पैदा हो जाते हैं, ताबीन तबह ताबीन, अब कोई जरूरी नहीं है, देखो बायोलॉजी के लिए हम ये कह सकते हैं कि नो टू पर्सन, जो दो पर्सन जो होते हैं, नो टू पर्सन कैन बी आइडेंटिकल और सेम, दो इंसान कभी भी सेम या आइडेंटिकल नहीं हो सकते हैं। तो अब उसके बाद जो लोग आए, अब कोई जरूरी नहीं है कि उन्होंने उनका भी सोचने का पैमाना, उनका भी जो वो सिस्टम था वो वैसा ही होता, उनमें उसमें थोड़ी सी सोचने समझने में थोड़ी सी फर्क थी, और दैट वाज बट नेचुरल। तो तीसरा पॉइंट जो यहाँ पर आपको एक याद रखना है इस पीरियड में, द कलेक्शन अरेंजमेंट इन द चैप्टर्स एंड एडिटिंग ऑफ द टेक्स्ट ऑफ कुरान एंड द फाइनल रिसेशन took place in the reign of Hazrat Usman Ghani رضی اللہ تعالی عنہ, the third Khalifa of Islam. And of these three achievements, the last is the most important. یعنی جو میں یہ جو تین پوائنٹس میں بھی بتا چکا ہوں آپ کو, یہ تین چیزیں ہو گئی ٹورڈز دا ڈیولپمنٹ آف فقہ کے بارے میں. ایک اس میں آپ یاد رکھیں گے کہ جتنے سارے جلیل القدر جو صحابہ جو تھے, ان کا جو ہے ان کی گائیڈنس, انہوں نے کس طریقے سے اس وقت وہ دنیا کی جو اس ٹائم باغ دوڑ تھی, اس ٹائم جو مدینہ سوسائٹی جو بنی تھی, اب جو اس میں فتوحات ہوئی تھی, ان کی وہ باغ دوڑ کیسے انہوں نے آگے چلائی, کیسے انہوں نے پھر قرآن کریم کو انٹرپریٹ کیا, کیا بتایا انہوں نے, ایک وہ چیز ہے. دوسری چیز جو ہے کہ نبی کے سن کے ڈائریکٹ فرمان جو انہوں نے بتا دیا, ان کا وہ کلیکشن ہو گئی, جیسے کہ میں امام مالک رحمۃ اللہ کی جو موتا کتاب جو ہوئی ہے یا کچھ اور بھی ہوئی ہو سکتی ہے اس ٹائم. تو اس کے بعد جو ہے تھرڈ پوائنٹ جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دور میں جو ہے, ان میں جو ہے جو قرآن کریم کا جو وہ ٹیکسٹ پوری طریقے سے وہ سسٹمیٹک حساب میں ہمارے سامنے آیا, اور احادیث کا بھی بہت سارا وہ چیز جو ہے سسٹمیٹکلی ہمارے سامنے آیا. تو یہ ایک سٹیپ تھا ٹورڈز وٹ, کیونکہ ابھی جا کے, کیونکہ لا تو یہی تھی, اسی میں تو لا ہے, قرآن میں ہی تو لا ہے, احادیث میں ہی لا ہے. اب ان لاز کو پھر الگ الگ کیسے آگے, کیسے ان کو بڑھایا گیا, پھر اس پہ وہ اس کا جو پرنسپل آف جو لا ہے وہ کیسے نکالے گئے ہیں, وہ تو آگے والے فیز میں ہوا. تو تھرڈ فیز اس کے بعد آ جاتا ہے, تھرڈ فیز جو ہم اس کو ہم کہتے ہیں تھرڈ پیریڈ کہہ سکتے ہیں, سسٹمیٹک وے آف سکولز. حالانکہ یہاں پر لگتا تھا, وہاں پر تو جو میں پہلے کہتا ہوں کہ یہ فیز تو ڈیولپ ہو گیا کہاں سے, نبی قسم کے وفات ہونے کے بعد تقریباً کہاں تک کہ جب آپ ہو گئے سسٹمیٹکلی اب سکولز بن گئے, یعنی الگ الگ تھاٹس بن گئے ہمارے ساتھ. تو وہ اب سٹارٹ ہوا یہاں سے ان خلفائے راشدین کے بعد. تو اس کے بعد جو یہ تھرڈ پیریڈ جو ہے, اس میں ڈیولپمنٹ جو ہوئی اور ڈیولپمنٹ ہوئی مسلم اس فقہ کی ود دا ریز آف دا عباس ڈائناسٹی. اب تو ابھی تک تو اس کے بعد جو ہے جو حضرت عمر صدیق کے جو ہے خلفائے راشدین کا پیریڈ جو چلا جاتا ہے, پھر اس میں اموی پیریڈ بھی آ جاتا ہے. اب جو یہ تھرڈ فیز جو انہوں نے یہ جو عبد الرحیم ہے جس کی کتاب سے میں یہ آپ سے بتا اس ٹائم جو میں بول رہا ہوں آپ کو, چار فیزز جو ہے اس کے, چار پیریڈ جو ہے انہیں کی کتاب سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس ٹائم یہ. تو اب اس وقت جو ہے عباسیوں نے بھی, مطلب اب عباسی آئے تھے دنیا میں, عباسی ڈائناسٹی جو آئی تھی, کیونکہ خلافت منتقل ہوئی پھر اموی ڈائناسٹی سے عباسی پیریڈ, جو عباسی ڈائناسٹی میں. تو اٹ واز دا گولڈن پیریڈ آف اسلامک لرننگز اینڈ امانگ ادر سبجیکٹس دا سائنس آف لا ریچڈ ٹو دا زینتھ, and it was marked by a theoretical and scientific study of the law and religion.
यानी इस पीरियड में अब जो है जितने सारे फतवात ज्यादा हुए होंगे, तो सीधी सी बात है उतनी ज्यादा उन इलाकों से जो उनके जो अपने उलूम थे वो इसमें आ गया होगा, क्योंकि लोगों ने अपने अपने भी उनके पास जो थी जो जो मेथडोलॉजी जो तौर तरीके जो उनके पास थे, यानी इसमें यहाँ पर आप एक पॉइंट याद रखेंगे कि जो जब नबी सल्लम हमारे पास थे दैट टाइम सोसाइटी ऑफ मदीना एंड इट्स एडजेसेंट एरियाज दैट दे वर ऑल वन दिस उसमें एक उसको हम कह सकते हैं दैट वाज होमोजेनस सोसाइटी, एवरीवन वाज अरब एंड प्योर अरब, उसको हम कहते हैं होमोजेनस सोसाइटी। लेकिन अब जब आगे जब खुलाफा राशिदीन का दौर आया, फिर उसके बाद उम्मवी खलीफा आ गए, फिर अब्बासी डायनास्टी अब आ गए, अब्बासी अब खलीफे आ रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे फतूहत हुए, तो नाउ द सोसाइटी इज नॉट होमोजेनस, इट वाज हेटेरोजेनियस। हेटेरोजेनियस का मतलब हो सकता है कि उनकी अपने मसलन ईरान आ गया उस वक्त इस्लाम के दायरे में, तो बहुत सारे वहां इटली रोम के साइड से कुछ इलाके आ गए, तो नाउ सोसाइटी इज हेटेरोजेनियस। अब उनके बातें जो है उनकी जो अपनी फिलोसफी है उनके तौर तरीके हैं वो भी, लेकिन इस पीरियड में बहुत मुसलमानों ने बहुत इसमें वो क्लाइमैक्स उनका हो गया, नॉलेज यानी कैसे क्या साइंस ऑफ लॉ जो है उसकी बहुत तरक्की हुई हर एक मामले में, तो साइंटिफिक स्टडीज भी उस टाइम होने लगी, थ्योरेटिकल एज वेल एज साइंटिफिक स्टडी सामने आई, रिलीजियस स्टडीज भी हो रही थी। तो मैं इससे पहले भी आपको वक्तन फवक्तन मैंने मैं ये बात आपसे कह चुका हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जो तौहीद की जो दावत उन्होंने दी, तो उसी से एक्चुअली साइंटिफिक स्टडी भी दुनिया में आ गई, क्योंकि दुनिया में लोग जो है पत्थरों को पूजते थे, वो तो खुदा समझते थे, शायद चांद है, शायद कोई पत्थर है, कोई पेड़ है, लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खुदा एक ही है, वो है हजरत अल्लाह जल्ला शानहू, तो तभी जाके एक इंसान के जहन और दिमाग फ्री हो गए और उन्होंने इस दुनिया पर रिसर्च करना स्टार्ट की, तो तभी जाके ये साइंसी उलूम भी हमारे सामने आए। तो अब इस दौर में जो ये थर्ड पीरियड की बात जो मैं कर रहा हूँ, इसमें जो है इट वॉज दैट फोर सुनी स्कूल्स ऑफ जुरिसप्रूडेंस वर एस्टैब्लिश्ड, इसी दौर में चार जो जिसे हम कहते हैं इस्लामिक थॉट्स ऑफ फिका जो है वो इस्टैब्लिश हुए। तो इसके बगैर भी बिसाइड्स दीज फोर थॉट्स ऑफ इस्लाम या और आई कैन से दिस इस्लामिक जुरिसप्रूडेंस या आई कैन से फिका फोर स्कूल्स ऑफ फिका जो थे, इसके बगैर और भी कुछ हमारे सामने वो आए, वो सच एज शियाज ऑफ इसना अशरिया थॉट आया, जैदिया आया, इस्माइलिया आया, और भी बहुत सारे थॉट्स उस टाइम वो डेवलप हुए, यानी अपने अपने तरीके से इन्होंने ये प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ जो है इनके थे अपने अपने तरीके थे, प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ यानी कोई लॉ बोलने कोई लॉ जो अगर बताया गया उसके जो प्रिंसिपल्स है उस पहले लॉ को फॉर्मुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल, तो फिर उसी उन्हीं प्रिंसिपल्स को रखकर कोई और लॉ वो बताया जाता है, कोई लॉ एस्टैब्लिश किया जाता है। तो इस तरीके से ये हमारे सामने आई है चीज। दिस पीरियड एंडेड विद द थर्ड सेंचुरी ऑफ हिजरा, तो तीसरी सेंचुरी इस टाइम जो इसका एंड हुआ था, तो ये हमारे सामने ये सब मौजूद थे, हनफिया स्कूल ऑफ फिका, तो मालिकिया स्कूल ऑफ फिका, शाफिया स्कूल ऑफ फिका, और इसी तरीके से हनफी, मालिकी, शाफी और हम्बली, ये चार हमारे सामने आए थे जिनको हम कहते हैं फोर स्कूल्स ऑफ फिका ऑफ सुनीज, और शिया के भी कुछ जो थे मैं ये बता चुका, जैसे अशरिया थे, जैदिया था, इस्माइलिया था, और भी थे कुछ स्कूल जो मौजूद जिनका इस वक्त भी हमारे पास उनका वो मटेरियल उनका लिटरेचर हमारे पास है इस टाइम। तो द प्रिंसिपल्स ऑफ दीज स्कूल्स आर सब्सटेंशियली द सेम एंड दे डिफर फ्रॉम ईच अदर ओनली इन मैटर्स ऑफ डिटेल। नॉर्मली जो प्रिंसिपल है खुदा एक है, इट इज एवरीवेयर वन, कोई किसी स्कूल में ये नहीं कि वो दो है। हाँ, अब जो आगे क्या हो गया, फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ गई, जो आगे 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 मैंने कहा जो ही दुनिया आगे बढ़ गई, जो स्कॉलर्स आ गए, तो कोई जरूरी नहीं है कि एक स्कॉलर जो पहला था वो कितना पायस था, कितना वो इस्लाम के लिए वो डिवोटी था, तो कोई जरूरी नहीं जो उसके बाद दूसरा आया कि वो बिल्कुल वैसा ही होता। तो इसमें थोड़े से अब ये आगे आगे जाकर इसमें ये चीजें आ ही गई हमें। तो इस तरीके से जो है अब अगर हम खुलफाए राशिदीन का ही दौर लेंगे, तो उस वक्त भी इस्लाम को फैलाने के लिए अपॉइंट किया गया, इमामों को अपॉइंट किया गया मस्जिदों के लिए,
तो अब जब वो वहां गए तो वहां पर जो उनके जो जो लोग थे डिफरेंट किस्म के लोग थे, तो अब थोड़ी सी इसमें वो क्या कहते हैं, जिसे शायद आज मॉडर्न टर्म में जो हम ये डाइवर्सिटी जो कहते हैं, तो इस हिसाब से लोगों के भी मिजाज डिफरेंट थे, लोग डिफरेंट इलाकों से आए थे, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेनेशन करने में, इंटरप्रेट करने में अब थोड़ा सा और भी बहुत सारी चीज जुड़ गई। तो फर्दर इन दिस पीरियड द फोर इमाम्स नॉट ओनली प्रोड्यूस्ड रूल्स ऑफ लॉ बट दे वर आल्सो द फर्स्ट टू फॉर्मुलेट द प्रिंसिपल्स ऑफ द साइंस ऑफ फिकह। यानी अब ये जो चार हमारे सामने जो मशहूर इस टाइम जो है फिकह स्कूल्स जो है, तो उसमें है यही मालिकी शाफी हम्बली ये चार सुकून जो थे उस टाइम। तो इन्होंने इनके अपने अपने जो है प्रिंसिपल्स है इसमें कि प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, इन्होंने जो भी कोई लॉ था उसमें जो प्रिंसिपल्स निकाले उसमें फ़र्क है, बाकी जो फंडामेंटल है उसमें कोई मामला नहीं, वो तो सही है। अब इस वक्त के दौर में कोई कहेगा कि नहीं फंडामेंटल्स में हमारी कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन बेसिकली तो वो सेम ही थी। अब जो ये फोर्थ पीरियड इज पीरियड ऑफ तकलीद, इसमें जो विद द डिमाइस ऑफ इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह द पीरियड ऑफ इंडिपेंडेंस एक्सपोजिशन ऑफ इस्लामिक लॉ केम टू एन एंड। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की वफात होने के बाद कहा जाता है कि अब जो ये प्रिंसिपल्स ऑफ जो है इस्लामिक लॉ, जो इसके जो प्रिंसिपल्स थे, तो अब वो एंड हो गया। यानी इसके बाद अब स्कॉलर्स ने अगर निकाले भी प्रिंसिपल, लेकिन वो कहीं ना कहीं इन्हीं चार में से होते थे। तो फिर इसके बाद क्या हो गया, तकलीद का पीरियड स्टार्ट हो गया। अब जितने सारे स्कॉलर्स हैं वो तो या तो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह इन्हीं को नकल करते थे, या इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, या इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, या इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। तो इस पीरियड को हम तकलीद भी कहते, तकलीद यानी मतलब बिल्कुल वही आगे बढ़ाना। तो फिर इससे क्या हो गया आगे, इससे फिर अपने अपने जो लोग थे तो वो इन्हीं के साथ वो एडहेयर रह गए, और ये आगे चलता गया कि फिर ये एक चीज दुनिया में ऑटोमेटिकली चीज एक्सटेंड हो गई है कि नाउ देयर आर ओनली फोर स्कूल्स ऑफ थॉट इन इस्लाम। ये चार स्कूल जो है, इस चार के बाद कोई और स्कूल की माना नहीं जाएगा, और लोग अलग अलग बट गए, हालांकि नहीं होना चाहिए था ऐसे। तो तकलीद करने लगे। और एक बात जो इसमें इमर्ज हुई कि वो बात ये है कि अगर कोई इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह की तकलीद करता है तो उसको सिर्फ उसी की तकलीद करनी होगी। ये एक अलमिया है कि जब हम ये बात सुनते हैं, इस बात से कितना वो हमारा वो सोच और हम स्टैगन बन जाते हैं इस चीज से जो इस मुस्लिम उम्मत में जो मौजूद है इस टाइम। और अगर किसी से ये सवाल पूछते हैं तो कहते हैं भाई इजमा हुआ है इन चार, यानी इजमा मतलब हो गया कि अब कॉन्सेंसस है तमाम मुसलमानों के सामने कि ये इसी चार स्कूल्स ऑफ थॉट को फॉलो करना है, इसके बगैर कोई और नहीं कर रहा। हाँ, अब चलो फॉलो करते, लेकिन अब ये कहते हैं कि अगर किसी ने एक स्कूल को फॉलो किया है उसे हर मामले में उसी स्कूल को फॉलो करना है। ये तो मैं क्या कहूँ, अल्ट्रा अनफॉर्चुनेटनेस जो है इस वक्त इस दुनिया में। तो इसलिए हम इस फोर्थ पीरियड को, इसलिए हमारे स्कॉलर्स ने इस पीरियड को कहा है पीरियड ऑफ तकलीद भी, वो इसको कहते हैं क्योंकि बस अब सिर्फ तकलीद की बात है। हालांकि चार इमामों ने इन्होंने बता दिया कि इज़ा असहल हदीस फहुवा मज़हबी, जब आपको हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले तो वही हमारा मज़हब, वही हमारा दीन है। लेकिन हमने क्या किया, हम बट के रह गए, हम सिर्फ कहते हैं कि बस चार जो है, मैं हनफी हूं, बस मुझे सिर्फ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह की बात माननी होगी, बाकी कुछ भी हो जाए मुझे नहीं मानना है इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह का, मुझे नहीं मानना है इमाम अहमद बिन हंबल का, मुझे नहीं मानना है इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह का। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। तो यहाँ पर जो है ये डेवलपमेंटल फेज, इसके इस डेवलपमेंटल फेज के बाद ये माना जाता है कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है इस मामले में। हाँ, अगर अब किसी ने किताबें लिखी, किसी ने कुछ बोला भी, लेकिन उस पर लेबर लगाई दी जाती है कि भाई ये हनफी है, ये मालिकी है, ये शाफी है, क्योंकि वो इंक्लाइन लेता है टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स दैट स्कूल, टुवर्ड्स द स्कूल ऑफ अबू हनीफा, टुवर्ड्स द स्कूल ऑफ इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह, टुवर्ड्स द स्कूल ऑफ इमाम अहमद बिन हंबल और इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह। तो जो है
ये तकरीबन जो है दूसरी सेंचुरी तक ये मामला रहा है। तो इसके बाद जो अगर हम देखेंगे आज तक ये इस चीज़ की प्रॉब्लम है मुसलमान उम्मत में, हालांकि बहुत हद तक पिछले कई सालों से लगता है कि इस चीज़ को डिजॉल्व किया गया है, लेकिन बार बार हमारे जो एनिमीज हैं, हमारे दुश्मन हैं, वो इसको तूल देने में कामयाब हो जाते हैं, वो इसके साथ मुसलमानों को अटैच करने में कामयाब हो जाते हैं बाय वन वे और बाय द अदर वे। लेकिन आप स्टूडेंट्स हो, आप बच्चे हो, मैं आपसे कहता हूं कि आप इन चुटलेज से बाहर निकले। आप ये ना अपने आप को समझे कि भाई बस मैं हनफी हूं, अब मुझे सब कुछ किसी शाफी की कोई बात नहीं मुझे मानने हैं, माल की कोई बात नहीं मुझे, हालांकि ये कहना ही नहीं चाहिए कि ये शाफी है, ये हनफी है, ये माल की है। वी आर ऑल मुस्लिम्स, हम मुसलमान हैं और हमारे सामने ये इल्म का खजाना है, चाहे वो हनफी हजरात के पास है, ये जो लॉ प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ जो है, जो इस इस्लामिक लॉ के जो प्रिंसिपल है उसी पर तो ये बनी वही, उसी को तो फिका कहते हैं। हमारे पास ये नॉलेज का खजाना है, इसे हमें लेना चाहिए, इसे हमें पढ़ना चाहिए, इसे हमें रूल्स निकालने चाहिए, लेकिन कभी ये नहीं करना है हमें कि बस हमें सिर्फ एक ही को वो अटैच रहना है, तो उससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है और हमें हमारी जो जनरेशन जो आगे आ रही है उनके लिए भी बहुत ही बड़ा मसला बन सकता है। तो बन भी गया है और बन भी सकता है। तो रब करीम से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें दीन समझने और समझाने की तौफीक अता फरमाए। तो बाकी इंशाल्लाह ताला जो इसके बाद टॉपिक होगा इंशाल्लाह ताला वो तो कर लेंगे। रब्बना तकबल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।